सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो साफ़ सफाई हो गई है और अनुषा के भी स्कूल आज से खुल गए हैं। छुट्टियाँ चल रही थी तो वो भी स्कूल गई है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए अपने, और मेरा सारे काम हो गए हैं। बस खाना बनाती हूँ और आज अनुषा को मुझे ही लेने जाना है। शायद हस्बैंड कहीं जाना है, उन्हें बोल रहे थे अगर जाएंगे तो बता देंगे, तो अनुषा को भी मैं ही जाऊँगी स्कूल लेने। तो इसलिए और जल्दी काम करना पड़ रहा है। हस्बैंड जाते ना तो तसल्ली रहती है, आराम से रिलैक्स होकर काम करती रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं। और जब स्कूल मैं जाती हूँ ना स्कूल से लेने, तो इतनी टेंशन सी रहती है, आदत नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हस्बैंड ही छोड़ कर आते हैं, वही लेकर आते हैं। फिर पेरेंट्स मीटिंग में चली जाती हूँ और आज जा रही हूँ, तो स्कूल भी काफ़ी दूर है, तो फिर इसलिए काम जल्दी कर रही हूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ। और इधर मेरा तो इसे बनने देती हूँ, दाल बना रही हूँ आज। और ये बिरयानी भी कल कितनी सारी रखी हुई है, तो इसको भी रखा रहने देती हूँ। तो अभी दाल बना रही हूँ, कल की बिरयानी रखी है और मुझे तो इतनी पसंद है ना बिरयानी, तो मैं तो और एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है, होता है बिरयानी चीज़ ऐसी है ना, काफ़ी मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें बिरयानी बासी हो, अगले दिनों दूसरे दिनों सब पसंद आ जाती है, उसमें से एक मैं भी हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लगा है, कितना अच्छा लग रहा है बाहर का। अब थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी लगने लगा है, पहले से गर्मी मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी थी ना वो कम हो गई है। बहुत प्यारा सा सुबह सुबह तो इतनी ठंड सी लगती है, अगर बाहर निकलो जैसे इतना प्यारा मौसम होता है। हमें यहाँ खड़े होकर जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, कभी बाइक जाएगी, कभी सब्ज़ी वाले जाएंगे, जैसे कि मुझसे परेशानी है, हॉर्न इतने तेज़ तेज़ बजेंगे, तो इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरी वीडियो सारी कमरे की होती है। तो चलिए फिर, इतने दाल बन रही है, अजान का भी टाइम हो रहा है, अजान हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और इधर मेरा तेल गरम हो रहा है, दाल भंगारती हूँ अपनी, और ये लहसुन मैंने छील लिया है, थोड़ी सी प्याज भी लूँगी। तो चलिए इतना तेल गरम होता है, दाल खोल कर देखती हूँ सही हुई है नहीं, अभी तो मैंने खोली भी नहीं है इसको। और ये वही चम्मच है जो छोटू सा मैं लाई थी जब अनुषा ने शॉपिंग की थी ना कपड़ों की, तब इतना प्यारा सा है, काम आ रहा है। और सिर्फ मैं डोंगे के लिए लाई थी, और मेरा छोटू सा कुकर भी बहुत छोटा है मेरा, और ये तो बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, ऐसे बोल रही हूँ, सच में बहुत अच्छे लगते हैं साथ साथ में। और इधर मेरी दाल भी रेडी है, और दाल मैंने आज बनाई है, दाल मैं बनाई है मसूर, साबुत मसूर, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं बस तड़का लगाती हूँ। तो प्याज लहसुन मैंने डाल दिया है, हाँ इतनी प्यारी महक आ रही है ना, जब तड़का लगाओ ना दाल में इतनी प्यारी महक आती है, काश मैं सूंघा पाती आपको, मज़ा ही आ जाता बस। और सिर्फ एक दो दालें जो मैं खाती हूँ, एक मूंग मसूर की दाल, एक ये मसूर, वरना दालें ही खाती हूँ, मेरे घर में कोई सी भी दाल बनती नहीं है। बस तड़का रेडी कर लेती हूँ, और आप कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और जो भी गलती हो मेरी वीडियो में वो भी कमेंट कर देना, अच्छे बुरे जो भी। अच्छे बुरे उतना बुरा भी मत करना, मतलब जो गलतियाँ लगती है मेरी वीडियो में वो बता दिया करें। और मेरा इतना अच्छा चैनल चलने लगा था, मैं गलती मेरी हुई, गलती भी किया, बस अनुषा की तबीयत ख़राब हुई, मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी, और मेरा मूड ख़राब होता है ना तो पता नहीं मैं वीडियो बनाना क्यों छोड़ देती हूँ, कि मन नहीं करता कि कुछ करूँ, और फिर थोड़ा फिर ये सोचती हूँ चलो कर लेती हूँ, इतना डाउन हो गया मेरा चैनल, प्लीज़ मेरे सपोर्ट कर दो, हो जाए फिर से वाश टाइम, पता इतना तो मैंने बढ़ा भी नहीं था, जितना सारा का सारा ख़त्म हो गया। तो इधर प्याज भी हो गई है, लहसुन प्याज मेरा तड़का लगाती हूँ, फिर कितनी प्यारी खुशबू है ना, बार बार मैं बोल बोल कर लग जा रही हूँ आपको,
तो चलिए दाल भी रेडी हो गई है मेरी। अनुषा को स्कूल से लेने जाना है ना, इसलिए सिर्फ जल्दी करना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो फिर कोई जल्दी नहीं होती। अब अनुषा को जाना है लेने तो वही करना तो पड़ेगा। बस अजान हो जाए, नमाज और पढ़ लूँ ना तो नमाज मैंने पढ़ ली है। अब अनुषा का टाइम हो गया, अनुषा को लेने जाती हूँ और काफ़ी लेट भी हो गई हूँ। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मैं स्कूल पहुँचूँगी। अब पैदल तो जाऊँगी नहीं, रक्षा करना पड़ेगा। तो चलिए फिर आपको भी साथ में लेकर चलती हूँ। छोड़ के चली गई थी मैं बच्चों को, पिको तो लेने गई थी। हाँ क्या हुआ? और अनुषा को लेकर आ गई हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं इतनी तारीफ़ कर रही थी मौसम की कि बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है बाहर, तो बहुत गर्मी है। रक्षा में गई थी तब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप है। और ये अनुषा हमेशा फ़ोन रहता है, ये हमेशा फ़ोन रहता है इसके हाथ में। हाँ गर्मी हो रही है, भूख लगी है, चलो फिर खाना खाते हैं। हस्बैंड तो लेट आएंगे, फ़ोन किया था जाने से पहले ही, तो कह रहे हैं काफ़ी दूर आया हूँ तो लेट हो जाएंगे वो, तो हम दोनों खाना खाते हैं। हाँ गर्मी। तो ये रही मेरी शाम की चाय, और अनुषा को लाकर स्कूल से खाना वाना हमने खा लिया था। फिर हम थोड़ी देर लेट गए थे, हस्बैंड लेट आए थे तो उन्होंने बाद में खाना खाया था। फिर तो बस अभी उठी हूँ, अनुषा ट्यूशन चली गई है, मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। और ऐसा लगता है चेहरा भी पता नहीं क्या इतना, मेरे से तो बात भी नहीं होती ठीक से। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो अपनी चाय पीती हूँ। फिर आप सुनिए, पंखा और उसके कमरे की लाइट भी जली हुई है, ये देखिए। और ये कहाँ पर है ये दिखाती हूँ, कहाँ पर हो गए वो, क्या हो रहा है? हाँ इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? पापा आ रहे, मुझे रोटी बनानी है, बाद में कर लेना जो भी करना है ठीक है। जल तो गई थी वो। अरे वो तो जला लो उधर। तो अनुषा तो कुछ कर रही है, सब जगह की लाइट वाइट खोल कर रखी है, पंखा लाइट सब कुछ। तो मैं भी रोटी बनाती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। ये मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है, ये मेरी स्पेशल प्लेट है मिक्की माउथ वाली, टेस्टी लग रही है ना। तो हम सबने खाना खा लिया है, और इधर अनुषा के मैंने मसाज भी कर दिए और चम्पू बना दिया है सर। ये बहुत कम तेल लगवाती है सर में कि मुझे चिपका देती हो, चम्पू बना देती हो, और बाल इतने ज़्यादा झड़ने लगे हैं इसके, बिल्कुल तेल नहीं लगाती बालों में। हाँ सही है, कह रही सुबह शैम्पू कर लूँगी मैं। तो बस आज का जो कुछ रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।